वन पीस के चैप्टर 1122 के स्पॉयलर्स आने के बाद से मैं फुल चैप्टर के आने का वेट कर रहा था, क्योंकि स्पॉयलर्स की कुछ लाइन से ही समा बन गया था। तो सोचो ये चैप्टर कितना बवाल होने वाला है। हमें फाइनली एमएस सुपर एक्शन में दिखता है, जहाँ पर वो यूज करता है जॉय बॉय की हाकी, और इस हाकी से क्या बवाल हुआ। सारे गोरो से सीधे अपनी माँ की गोद में, डायरेक्ट टिकट टू मरिजुआ। एनीवे डोर तो फालतू में ही पॉपुलर है, ये है सबसे सही तरीका क्विक ट्रांसपोर्ट का, जॉय बॉय ट्रांसपोर्ट सर्विस। स्पॉयलर्स को गोली मारो। अब हम चलते हैं चैप्टर के फुल डिटेल में कि एमएथ ने क्या गोल खिलाए हैं। अब अगर तुम चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि एंड में तुम बिना सब्सक्राइब करे ही चले जाते हो। ऐसा दुस्साहस ना करना, उस सब्सक्राइब बटन को प्रेम से क्लिक करें और उसके बगल में जो घंटी लाल बंधु है उन्हें भी ऑन कर लें। और इस वीडियो को लाइक एम रखते हैं हम 1000 लाइक्स का, और इसको पूरा जरूर कर देना। इस बार का चैप्टर है 17 पेजेस का, जिसका टाइटल है व्हेन द टाइम इज राइट। इस चैप्टर के कवर पेज पे हम स्मोकर को देखते हैं, जहाँ पर लिखा हुआ है कि ईची के एक लड़के ने 22 साल पहले स्मोकर का फैन आर्ट बनाया था और ये उसी के लिए ही है। ये बस ऐसे ही नहीं है, इसे माय हीरो एकेडमी के क्रिएटर कोहे होरिकोशी को ट्रिब्यूट की तरह बनाया गया है। इसे कोहे ने 22 साल पहले बनाया था। कोहे ने अपना फैन आर्ट ओडा को भेजा था, जिन्होंने अपनी वॉल्यूमों से जगह भी दी थी। इस इवेंट ने कोहे की लाइफ बदल दी थी और उन्होंने माय हीरो एकेडमी सीरीज सभी को दी। अब ये सीरीज अपने एंड पर आ गई है। ओडा कोहे के लिए एक इंस्पिरेशन है अपनी सीरीज को और बेटर करने के लिए। कोहे जो अपनी सीरीज को 30 वॉल्यूम्स तक ही रखने की सोच रहे थे, बट वहीं पर ओडा के कहने पर वो आज बढ़कर 40 तक आ गया है नंबर। कोहे जिन्होंने अपना सफर एज अ वन पीस फैन शुरू किया था, वो अपनी खुद की मांगा शुरू करते हैं माय हीरो एकेडमिया और उसे वन पीस से कम्पीट करवाते हैं। कितनी बड़ी बात है एक फैन से कॉम्पिटिटर तक का सफर। चलो अपने चैप्टर पर आते हैं, जहाँ पर हम दुनिया के अलग अलग जगह के रिएक्शंस देखते हैं, जहाँ पर लोग डरे हुए और कहते हैं कि हमारी कंट्री पानी के नीचे डूब सकती है और दुनिया की किस्मत अब पायरेट्स के हाथों में है, नेवी को कुछ करना चाहिए। वहीं पर कुछ लोग वेगापंक को ही बोल रहे हैं कि ये बुड्ढा बस सटिया गया है, और वहीं पर पायरेट लोग ज्यादा ही एक्साइटेड है कि वो दुनिया को क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि वेगापंक ने कहा था कि वन पीस इज रियल। यही कॉन्फिडेंस मुझे अपनी लाइफ में चाहिए कि जमीन पर खड़े होकर मैं जिराफ के मुंह से निवाला छीनने की बात करूं। हम यहाँ पर जेल के सीन को भी देखते हैं, जहाँ पर कुछ पायरेट्स कहते हैं कि अब टाइम आ चुका है कि सारी चीजों को पायरेट्स हैंडल करें। पायरेट्स और अदर क्रिमिनल्स की बातें सुनकर मरीन्स को गुस्सा आता है, और एक मरीन अपने जूनियर से कहता है कि तुम उन्हें ये मैसेज सुनने क्यों दे रहे हो, जिसपे वो कहता है कि जेल में सभी स्नेज यही अब ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम यहाँ पर मरीन हॉस्पिटल का सीन भी देखते हैं, जहाँ पर कोबी उस टाइम के बारे में सोच रहा है, जहाँ वो लूफी से बात कर रहा था कि पायरेट किंग तुम्हें बनना क्यों है, इसका मतलब क्या है। कोबी यहाँ पर लूफी को रोकना चाहता है, जहाँ पर वो कहता है कि लूफी सान मैं तुम्हारे ड्रीम को रोकने के लिए कुछ भी करूंगा। आगे हम यहाँ पर कराई बारी आइलैंड पे देखते हैं बगी को, जो अपने सबॉर्डिनेट से कहता है कि ये दुनिया हमारी होगी, हम सभी की, जिसको सुनकर सभी उसके अंधे फॉलोअर्स जोश में आ जाते हैं, और क्रोकोडाइल गुस्से में उन्हें ऑर्डर देता है कि चुपचाप नीचे बैठो। यहाँ पर हम डिवॉन को भी देखते हैं, जो अपने हाचिनों से जाने के रास्ते में है। डिवॉन जिसे हमने लास्ट टाइम एगेड पर ही देखा था, वहाँ वो किसी काम के लिए आई थी और उसका पूरे होते ही वो और वानोगर निकल जाते हैं, पर जाते जाते उसे कैरिबो मिलता है जो टीच को कुछ इन्फॉर्मेशन देने की बात करता है। अब डिवॉन टीच पे कॉल करके पूछती है अगर तुम्हें दिक्कत ना हो तो मैं इसे यहाँ पर मार दूं, जिसको सुनकर कैरिबो कहता है कॉमोडोर टीच मेरी इन्फॉर्मेशन आपके बहुत काम आएगी। इस पे टीच हंसते हुए डिवॉन से कहता है कि नहीं उसे आइलैंड पे ले आओ, अगर इन्फॉर्मेशन काम की नहीं निकली तो मैं उसे मार डालूंगा। कैरिबो यहाँ पर काफी क्रूशियल कैरेक्टर, जिसके पास काफी सारी इन्फॉर्मेशन है, वो बाय लक या इंटेंशनली सही टाइम पर सही जगह पर होता है। उसे स्ट्रॉयड के बारे में काफी कुछ पता है, उसकी इन्फॉर्मेशन अपनी डार्क लाइब्रेरी टीच के काम आ सकती है, और क्या पता कैरिबो कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन भी दे दे जो बाकी लोगों के पास नहीं है। एगेड पर वेगापंक का मैसेज अभी भी कंटिन्यू है, जो कहता है कि यही सच है जॉय बॉय। इसके बोलते हुए ही वर्करी एमएथ पर वापस से अटैक कर देता है, और इस अटैक से एंडलर की गली की हड्डी निकल जाती है, यानी एमएथ के अंदर जो डेंडेन मोशी है वो टूट जाता है, और वेगापंक की आखिरी शब्दों पर फुल स्टॉप लग जाता है। जाइन चिल्लाते हुए कहते हैं कि रोबोट डाउन हो गया। नज़्ज़ूरो अभी भी यहाँ पर स्ट्रॉयड की शिप के पीछे है, इसे लास्ट चैप्टर में जोरो ने देखा था। नामी कहती कि जोरो कुछ तो करो, और अपना सैटर्न दल्ला जिसे लूफी और बोनी ने मिलकर छेदीलाल बना दिया था, वो एगेड के किनारे पर बैठकर अपने आप को हील कर रहा है। इसके अगले ही पेज पर हम जुपिटर वर्करी और नज़्ज़ूरो को देखते हैं, जो एक साथ एल्बाफ और स्ट्रॉयड की शिप पर जंप करने के लिए रेडी हैं, जिसे देखकर एमएथ अपनी विश पर लगी हुई एक चीज को ग्रैब करता है और जॉय बॉय के बारे में सोचते हुए बोलता है मुझे माफ करना जॉय बॉय,
मुझे पता है कि तुम जिंदा नहीं हो सकते, बट वो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है। मुझे उसे देखकर तुम्हारी याद आती है। जॉय बॉय, मैं तुम्हें राजा नहीं बना पाया, मुझे माफ करना। लूफी कहता है कि तुम मुझे कोई और समझ रहे हो। अहमद कहता है तुम उसी की तरह लग रहे हो जिससे मेरी वही यादें वापस से आ रही हैं। आई होप जॉय बॉय मुझे माफ कर दे। फिर अहमद लूफी से उसका नाम पूछता है। लूफी अपने स्टाइल में बताता है कि मेरा नाम है मंकी डी लूफी, जो एक दिन पायरेट किंग बनेगा। अहमद डी को सुनकर सोच में चला जाता है। अहमद अपनी वेस्ट से लगी हुई चीज को पकड़कर खींचता है, जिससे अहमद के शरीर के अंदर की रस्सी खुल जाती है और अचानक से अहमद की बॉडी से ब्लैक लाइटनिंग निकलती है, जिससे वहां पर प्रेजेंट सभी लोग और मरीन्स बेहोश हो जाते हैं। अहमद का रस्सी खींचना यह दिखाता है कि यह सब कुछ उसने इंटेंशनली करा था। उसके अंदर की हाकी जो जॉय बॉय ने किसी इम्पोर्टेंट काम के लिए स्टोर की थी, और लूफी जो अहमद को जॉय बॉय की याद दिलाता है, उसने सुप्रीम हाकी को लूफी को बचाने के लिए यूज करना ज्यादा जरूरी समझा। अहमद हंसते हुए लूफी का नाम लेता है। लूफी हाकी को देखकर कहता है कॉन्करर्स हाकी। अहमद लूफी को थैंक यू कहता है कि उसकी वजह से वो वापस से ड्रम्स ऑफ लिबरेशन की रिदम को सुन पाया, जिसको सुनकर उसे जॉय बॉय की याद आई। आगे हम डबल स्प्रेड पेज पे देखते हैं अहमद की सुप्रीम मैसिव हाकी को, जिससे पूरा एगेड आइलैंड अफेक्ट होता है। इस ह्यूज ब्लैक लाइटनिंग ने सब कुछ हिला के रख दिया। इस अटैक की पावर के बारे में अहमद को भी पता था, इसलिए उसने अब तक इसे बचा के रखा था। उसने इसे तब भी यूज नहीं करा जब वो मरीज हुआ गया था, उसे इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में पता था। अहमद लूफी से कहता है प्लीज मरना मत, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। यहाँ पर वाइस एडमिरल बियरलीस हाकी से बच पाते हैं। उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता कि ऐसी डेंजरस पावर इस आइलैंड पे किसके पास है। इस मैसिव हाकी के अटैक से सभी एल्डर्स वापस अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाते हैं। इंटेंशनली नहीं, फोर्सफुली लाया गया था उन्हें। इस अटैक से सैटर्न को छोड़कर सभी एल्डर्स वापस से मरिजुआ पहुंच जाते हैं। हम जुपिटर वर्करी और नजूरो को रूम ऑफ अथॉरिटी में देखते हैं, जहां पर मार्स पहले से बैठा हुआ है, यानी वो इनसे पहले यहां पर आ गया था। कमाल का टोपीवाज आदमी है, क्या इज्जत रहेगी इसकी भाईचारे में, पहले ही आगे बैठ गया। हम रूम ऑफ फ्लावर्स में ईमू को देखते हैं, जो अपने घुटनों पर बैठ के चिल्ला रही है, वो कांप रही है। हाँ, मुझे पता है उसका जेंडर अभी तक रिवील नहीं किया है, बट उसकी हरकतें औरतों वाली हैं, तो वो एक औरत ही है। ईमू की सर्वेंट उसकी तरफ बढ़ती है और कहती है ईमू सामा। ईमू यहाँ पर जॉय बॉय के बारे में ही सोच रही है, यानी उसने भी इस हाकी को सेंस कर लिया। इधर एगेड पर फाइनली थाउजेंड सनी सी में उतरती है और एगेड से ये लोग दूर जाने लगते हैं। लूफी कहता है अच्छा हुआ तुम लोग भी यहाँ पर आ गए। एल्बा पर स्ट्रैट की शिप में सभी लोग शॉक थे कि अभी जो पांच मॉन्स्टर हमारे पीछे हाथ धोकर पड़े हुए थे, वो अचानक से कहाँ गायब हो गए। उन्हें जमीन खा गई या फिर आसमान निगल गया। जाइंट भी यहाँ पर कंफ्यूज है कि एक रोबोट कैसे हाकी को यूज कर सकता, और अगर कर सकता है तो उसकी हाकी से लोग गायब कैसे हो सकते हैं। एगेड के किनारे पर हम अहमद को देखते हैं, जो सैटर्न के सामने है और सैटर्न अहमद को ही देख रहा है। हमें यहाँ पर अहमद और जॉय बॉय के फ्लैशबैक को भी दिखाया जाता है, जहाँ पर जॉय बॉय एक आइलैंड के टॉप पे खड़ा हुआ इंतजार कर रहा है और अहमद से बात करता है। जॉय बॉय यहाँ पर शेडोज में ही दिखाया गया है, उसने स्ट्रॉइट पहनी हुई और एक कोट भी, और अहमद ने भी जायंट्स के तरीके का कोट पहना हुआ, जैसे डोरी और ब्रोगी पहनते हैं। जॉय बॉय अहमद से कहता है अहमद याद रखो, सिर्फ जब सही टाइम आए तब। अहमद सोचता है सही टाइम। जॉय बॉय कहता है कि मैं अपनी सबसे पावरफुल हाकी को कंप्रेस करके तुम्हारी बॉडी में सील करूंगा, जिसको सुनकर अहमद भी हैरान रह जाता है। जॉय बॉय अहमद से कहता है कि एक दिन मैं मर जाऊंगा, पर तुम मेरे से ज्यादा जियोगे, तुम्हारी लाइफ स्पैन मेरे से ज्यादा है। ऐसा दिन भी आएगा तब मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगा तुम्हारी हेल्प करने के लिए, बट मैं फिर भी तुम्हारे साथ रहूंगा इस हाकी के रूप में। अहमद कहता है कि मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। जॉय बॉय कहता है कि जब तुम्हारी या फिर किसी और की जान खतरे में हो, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि ये सही टाइम है, तब इस नॉट को खोल देना। अहमद कहता है कि जब सही टाइम आएगा क्या तुम मेरी हेल्प के लिए आओगी। जॉय बॉय कहता है हाँ, मैं हमेशा की तरह तुम्हारी हेल्प के लिए आऊंगा, और वो भी इस बार पास्ट से। जॉय बॉय की बातें सुनकर अहमद काफी खुश हो जाता है। अहमद हंसते हुए कहता है थैंक यू, इसे सुनकर मुझे काफी खुशी हुई, ऐसा होने पे तुम मेरे साथ हमेशा रहोगे। जॉय बॉय कहता है बिल्कुल, पर हम यहाँ पर सालों आगे की बातें कर रहे हैं। अहमद कहता है कि फिर इससे फर्क नहीं पड़ता है तुम जिंदा हो या फिर नहीं, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। हाँ बस मैं आगे टाइम में अकेला ना पड़ जाऊं। यहाँ पर हम जॉय बॉय और अहमद दोनों को देखते हैं कि कैसे दोनों फ्रेंड्स की तरह बात कर रहे हैं और साथ में दोनों किस तरह से खुश हैं। हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं और जहाँ पर लास्ट पैनल पे हम अहमद को देखते हैं, जिसकी आंखों की लाइट गायब हो चुकी है। अहमद जॉय बॉय की बात को दोहराता है वे इनटू द फ्यूचर। इसी के साथ अहमद अपनी मेमोरीज के साथ फिर से एक गहरी नींद में चला जाता है।
और शायद ये अहमद के लास्ट शब्द थे। उसने जॉय बॉय को बचा लिया। जॉय बॉय ने अपना प्रॉमिस पूरा किया उसकी हेल्प करके। जब अहमद को उसकी जरूरत थी उसने पास्ट से आकर उसकी मदद करी। तो ये चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाता है और ये चैप्टर काफी क्रेजी था। अब तक काफी चैप्टर बोरिंग से लग रहे थे पर इस चैप्टर ने जो दिखाया है करके और जो हमें शो किया है वो अलग ही लेवल का था। और शायद नेक्स्ट चैप्टर में भी हमें जॉय बॉय के बारे में और जानने को मिले। तो मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ इसके बारे में। तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम इसके बारे में कैसा फील करते हो, तुम्हें ये चैप्टर कैसा लगा और नेक्स्ट चैप्टर से तुम्हारी एक्सपेक्टेशन क्या है। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ और हमारे लाइक एम को जरूर पूरा करना।